छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे, जहां रमन सिंह कलेक्ट्रेट कार्यालय में कोविड 19 के संबंध में आयोजित बैठक में शामिल हुए, जहां उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और मरीजों के इलाज को लेकर अधिकारियों से चर्चा की और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मुहैया कराने के निर्देश दिए। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए रमन सिंह ने कहा कि देश प्रदेश सहित जिले में जिस प्रकार कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप बढ़ा है, उसमें छत्तीसगढ़ जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर पर आ गया है। कोरोना से लगातार लोगों की मौत हो रही है, इसलिए हमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सुरक्षा बरतनी होगी। जिले में खासतौर से पूरे छत्तीसगढ़ में और देश में जिस प्रकार कोरोना का ये दूसरी लहर का प्रकोप बढ़ा है और छत्तीसगढ़ में आज के लिए आंकड़े देखें तो 7,000 छू रहा है, अपने आप में देश में मेरी मान्यता है कि पॉपुलेशन के रेशो से देखा जाए तो नंबर वन हम हैं, क्योंकि 3.75 करोड़ की आबादी में 7,000 केस निकलना अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है और जिस प्रकार इसका ग्रोथ हो रहा है ये भयावह है, डर पैदा करता है। राजनांदगांव ने मॉडल एक पेश किया है, यहाँ के स्वयंसेवी संगठनों ने, व्यापारी संगठनों ने, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। ये पूरे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की प्रक्रिया होनी चाहिए।